कश्मीर के मानवाधिकारों की बात करने वाले चीन की पोल खोल देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इस जीआईएफ को ध्यान से देखने की जरूरत है। चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चीन अपने आप बेनकाब हो जाएगा। ध्यान से देखने पर यह समझ आ रहा है कि जिस जगह पर पहले मस्जिद थी वहां ज्यादातर मस्जिदों को तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये रहा सबूत। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये सैटेलाइट तस्वीरें लिनशिया की हैं। लिनशिया को कभी चीन का छोटा मक्का कहा जाता था, अब यहां से हर मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चीन की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि कई मस्जिदों की छतें ऐसी बनाई गई हैं जो चाइनीज लगती हैं। छोटी मस्जिदों को भी टारगेट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हुई 2003 की जनगणना में उइगरों की आबादी करीब 90 लाख बताई गई थी, जबकि अनऑफिशियली अनुमान में उनकी आबादी उससे कहीं ज्यादा है। उइगर चीन के 55 अल्पसंख्यक समुदायों में से पांचवा सबसे बड़ा समुदाय है। चीन की सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उइगरों की सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि आबादी को नियंत्रित कराने के लिए जबरन गर्भ निरोध और अबॉर्शन कराया जा रहा है। लाखों की संख्या में उइगर चीन के डिटेंशन कैंप में बंद होने की रिपोर्ट्स भी आती रहती है। इतना ही नहीं, शिनजियांग प्रांत में तो उइगरों की संस्कृति को खत्म करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। और अब ये नई तस्वीरें चीन की गलत मंशा की ओर इशारा कर रही हैं।